मतलब कॉपी किया हुआ है JBL ने, वी फोकसिंग ऑन द ड्राइविंग नॉट ऑन द कैमरा। सामने यहाँ पर मैं एक फैन लेकर रखा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित ऑफ टेक नेवरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बजट माइक के बारे में। वेल, आपने अगर आज तक देखे हैं अलग अलग माइक्रोफोन्स, तो मैं आज बात करूंगा दो बजट लैपल माइक की। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो, क्रिएटर हो, जो ऑन द गो वीडियोस बनाते हैं, जो ऑन द गो ब्लॉगिंग वीडियोस बनाते हो और ऑडियो आपके लैपल माइक से रिकॉर्ड करते हो, विच इज जनरली बेटर देन रिकॉर्डिंग डायरेक्टली विद योर स्मार्टफोन, तो यहाँ पर आज के वीडियो में मैं करूंगा एक कंपैरिजन दो अलग अलग लैपल माइक्स की। एक माइक है बोया की तरफ से और ये एक वेल नोन ब्रांड है बजट सेंट्रिक माइक की तरफ से। मतलब बेसिकली 1500 में अगर कोई माइक लेना चाहता है जिसमें ऑलमोस्ट 3 मीटर का लंबा केबल हो, DSLR से भी काम करता है, स्मार्टफोन से भी काम करता है एंड सस्ता टिकाऊ है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर रिसेंटली JBL ने लॉन्च किया एक नया मॉडल और मॉडल नंबर तो काफी कंफ्यूजिंग है, विच इज समथिंग लाइक CSLM20B और ये भी है JBL कमर्शियल मॉडल। आई डोंट नो क्यों सब कुछ, बट अल्टीमेटली दिखने में मतलब एग्जैक्ट कॉपी कैट, मतलब कॉपी किया हुआ है JBL ने यहाँ पर बोया के कंपैरिजन में। बट देन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे दोनों माइक्रोफोन्स को टेस्ट अलग अलग एनवायरनमेंट्स में। आई विल गो आउट ऑन ए क्विक ड्राइव, वहां पर ओपन एयर में हम लोग ट्राई करेंगे, इसी स्टूडियो के अंदर भी ट्राई करेंगे, तो अलग अलग लोकेशंस में ट्राई करने से हमें पता चलेगा कि भाई कौन सा माइक आपके लिए बेटर रहेगा। और मैं डिसाइड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा परसेप्शन अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताओगे कि आपको कौन से सिनेरियो में कौन सा माइक बेटर लगा। लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन। तो गाइस यहां पर दोनों माइक मैंने पहन ली है, बोथ द फोन्स आर कनेक्टेड एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग ऑन बोथ ऑफ दीज माइक साइमल्टेनियसली, सो लेट अस चेक आउट द ऑडियो क्वालिटी। फर्स्ट ऑडियो विच यू विल बी हियरिंग राइट नाउ इज फ्रॉम द बोया माइक। तो आप लोग बताइए कि बोया माइक का ऑडियो आपको बेटर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ द वोकल्स, आपको कैसा लग रहा है, उसका बेस कैसा है और क्या ऑडियो क्लियर है, ऑडियो लेवल कम है, ज़्यादा है। हम बिल्कुल ऑडियो को टच नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। और अब मैं स्विच करूंगा ऑडियो को JBL के माइक की तरफ और अब आप लोग बताइए कि JBL का माइक कैसा है, क्या उसमें वोकल्स क्लियर है, बैकग्राउंड नॉइज कट हो रहा है, बेस बढ़िया है नहीं है, मतलब जो भी आपका फीडबैक है वो आप यहां पर इंडोर रूम के अंदर क्वालिटी कैसी है उसके बारे में बताइए। एंड नाउ लेट्स गो फॉर अ क्विक आउटडोर ट्रिप और वहां पर हम इन्हें चेक करेंगे। सो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ मेरी कार में, अगेन दिस इज माय वाइफ्स कार, मैं अपनी कार स्पेसिफिकली लेके नहीं आया क्योंकि ऑडी के अंदर कम्प्लीटली नॉइज फ्री एनवायरनमेंट होता है, तो माइक ज्यादा क्लियरली टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। और मैंने मास्क अभी उतार दिया है क्योंकि मास्क से फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा माइक के अंदर ऑडियो लेने के लिए। तो यहाँ पर अब ये जो ऑडियो आप सुन रहे हो ये हम लोग रिकॉर्ड कर रही है, आप फिर आप जो सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर बोया माइक से। तो आप बताइए कि बोया माइक में क्या आपको बाहर का नॉइज आ रहा है, नहीं आ रहा है। और अब मैं यहाँ पर स्विच करूँगा अपने नए JBL माइक के साथ और देखते हैं कि भाई JBL में कैसे ऑडियो आता है, क्या उसके अंदर ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा है ऑडियो क्वालिटी। क्योंकि अब मैं यहाँ पर कार के विंडोज़ खोलूँगा जिसके बाद हमें यहाँ पर विंड रहेगा, उसी के साथ साथ गाड़ियों की आवाज़ भी रहेगी। तो लेट मी जस्ट स्विच टू स्पेस वेयर आई कैन एक्चुअली ड्राइव एंड ऑल्सो स्पीक। और यहाँ पर कार के विंडोज खुले हुए हैं, हवा भी काफ़ी है आप देख सकते हो। और अब हम लोग यहाँ पर आई एम वेक फोकसिंग ऑन द ड्राइविंग नॉट ऑन द कैमरा, तो मैं कैमरा की तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन आप लोग बताइए कि अब आपको ये जो ऑडियो आ रहा है जो बोया से आ रहा है, बोया का ऑडियो कैसा लगा आपको इन टर्म्स ऑफ द विंड नॉइज रिडक्शन एंड ऑल्सो बेसिकली ऑल द साउंड बैकग्राउंड नॉइज जो भी आपको यहाँ पर आ रही है। और अब हम इसे स्विच करेंगे यहाँ पर JBL माइक से और देखेंगे कि JBL के अंदर क्या नॉइज रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी आपको फीडबैक लग रहा है सब कुछ आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। बिकॉज वी आर जस्ट शूटिंग बोथ एट द सेम टाइम टू गेट अ प्रैक्टिकल आइडिया विच माइक इज बेटर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस एंड यू गेट अ आइडिया बिफोर इवन बाइंग दीज प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों अगर आप आपके घर के अंदर वीडियो शूट कर रहे हो और एसी या फैन ऑन है, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मैं एक फैन लेकर रखा है मैंने जस्ट टू शो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ विंड। और अब किस तरह से इन दोनों माइक में से आपको ऑडियो मिलता है वो हम लोग चेक करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्विचिंग द ऑडियो टू द बोया माइक फर्स्ट। और अब आप बताइए कि बोया माइक में क्या आपको ऑडियो बेटर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आपका फीडबैक है, क्या विंड का साउंड ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगेन यहाँ पर विंड भी मैंने मतलब लो सेटिंग में रखी है, बट आप यहाँ पर देख सकते हो बाल हिल रहे हैं, मतलब बेसिकली द
decent air hai, it's not very high amount of air. Now let's switch the sound to the mic, to the JBL mic. Aur ab aap bataiye ki JBL ka mic mein se audio aapko kaisa lag raha hai, kya usme audio aapko better hai, clear hai, kya wind reduction, noise reduction better kaam kar raha hai ya nahi kar raha hai, jo bhi aapka feedback hai aap wo niche share kar dijiye. So guys, ये था एक complete test इसी नए JBL mic को हमने compare किया Boya के जो एक successfully you know top selling mic था उसी के साथ में. दोनों की links मैंने description में दे दी है, आप लोग आपका feedback बताइए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कौन सा mic better लगा तीनों अलग अलग situations में. एक था indoor, एक था outdoor और एक था with a mic fan or you can say you know wind noise in the background. तो आप लोग बताइए कि भाई आपको कौन सा audio level, audio quality better लगी थी दोनों mic में से, और उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे भाई कौन सा माइक फाइनली एक बेटर माइक हो सकता है आपके रेगुलर रिकॉर्डिंग काम के लिए. अगेन ये था एक कंप्लीट माइक कंपैरिजन वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. मैं हूं अमित, मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.